नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों को दूसरी काउंसलिंग में स्कूलों का आवंटन हुआ, उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन जिन अतिथि शिक्षकों को स्कूलें आवंटित नहीं हुई, उनके लिए तीसरी काउंसलिंग को लेकर DPI भोपाल की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। तो वह परेशान बिल्कुल ना हो, जिन अतिथि शिक्षक भाई बहनों को स्कूलें आवंटन नहीं हो पाई है, जिनकी ID पर स्कूलों को देखने पर पता चल रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, वह अतिथि शिक्षक भाई बहन वीडियो को पूरा देख लें। उनके लिए तीसरी काउंसलिंग जल्द ही शुरू हो रही है, उसका फाइनल एग्जैक्ट तारीख भी DPI ने जारी कर दिया है। GFMS पोर्टल पर आप आएंगे, GFMS पोर्टल पर आने के बाद आप अंदर अपनी ID पर जब इंटर होंगे तो आपके उसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है, यानी कि आपको स्कूल आवंटित नहीं हुई है आज की तारीख पर। हालांकि इस मैसेज को देखने के लिए एक बार आप फिर से अपनी ID पर लॉगिन जरूर होके ये प्रोसीजर इसके पहले का वीडियो देख के उस तरह से करिएगा और देखिएगा क्या अभी भी आपके उसमें फाइनल रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगर फिर भी मैसेज आ रहा है यह वीडियो देखने के बाद, तो आप जो है तीसरी काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे और इसका मतलब है अब आपको दूसरी काउंसलिंग में स्कूल नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं तीसरी काउंसलिंग की। तो तीसरी काउंसलिंग के लिए DPI भोपाल की तरफ से एक आवश्यक सूचना दी गई है लोक शिक्षण आयुक्त के द्वारा। यहां पर आप देखेंगे आवश्यक सूचना जो कि थर्ड काउंसलिंग तीसरी काउंसलिंग को लेकर है अतिथि शिक्षकों की। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें बताया है कि आवेदकों हेतु आवश्यक सूचना, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, आवेदकों द्वारा किए गए शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट के आधार पर शाला दे दी गई है। अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक GFMS पोर्टल पर उपस्थिति रिक्वेस्ट एवं शाला प्रभारी आवेदक की उपस्थिति रिक्वेस्ट के सत्यापन की कार्यवाही दिनांक, यहां पर दिनांक दिया हुआ है 18/11/2024। यानी जिन अतिथि शिक्षकों को दूसरी काउंसलिंग में स्कूलें मिली हैं, उनको अपनी ID से रिक्वेस्ट भेज देना है और 18/11/2024 तक अनिवार्यतः शाम के 5 बजे यहां पर देख सकते हैं तक यह कार्यवाही पूरी कर लेनी है, रिक्वेस्ट भेज के और स्कूल से अप्रूव करवा लेना है। अब उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत शेष रिक्त पदों पर दिनांक 18/11/2024 को ही शाम के 6 बजे से जो है यहां पर शाला विकल्प चयन की कार्यवाही की जाएगी, यहां पर देख सकते हैं। तो यानी तीसरी जो काउंसलिंग अतिथि शिक्षकों की है वह 18 तारीख को शाम के 6 बजे से यहां पर शुरू हो रही है, जिन पदों को वहां पर वैकेंसी शो होगी। अगर शाम को 6 बजे से शुरू नहीं हो पाती है पोर्टल की गड़बड़ी कारण, तो समझिए 18 तारीख को 7-8 बजे 9 बजे तक पद दिखने लगेंगे फाइनली, जो पद बचे हुए हैं। लेकिन पद कम ही बचेंगे, ये जो मैसेज आप देखे हैं ये अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों और सभी लोगों को सूचना के तौर पर दिया जा रहा है। तो तीसरी काउंसलिंग आपकी 18 तारीख से शुरू होगी, जिनको दूसरी काउंसलिंग में स्कूल नहीं मिली या मिलने के बाद उनको शाला के प्रभारियों के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। एक और उपाय बता देते हैं, अगर आपको स्कूल मिला है और संबंधित स्कूल पर पद रिक्त है, लेकिन जानबूझकर कोई स्कूल के शाला प्रभारी आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बता के, छात्र संख्या का बता के या कुछ भी, तो आप 181 में सबसे सरल तरीका है तुरंत शिकायत जरूर कर दें अगर आपको स्कूल मिली है, मिलने के बाद भी ज्वाइन नहीं कराते हैं। साथ ही 181 में शिकायत लगातार अपडेट कराते रहें और तीसरी काउंसलिंग में भी हिस्सा ले लें 18 तारीख को। तो मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। निवेदन भी रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और हम लगातार आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम लगातार आपकी परेशानी को जितना हो सकता है उतना कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।